हेलो दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है नूरुल अंसारी और आप देख रहे हो मैकेनिक यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने पांचवा पार्ट में बताया था कि ये जो इसका व्हील बूस है, ये इसको कैसे लगाना है, कैसे सेट करना है, मशीन जाम हो जाए तो उसको कैसे फ्री करना है, क्या तरीका होता है लगाने का, हमने पाँचवा पार्ट में बताया था। जैसे कि ये जो मेन शाफ्ट है, यहाँ देखिए, हमने ये जो व्हील बूस है ये इसको हमने लगाना बताया था, इसको कैसे लगाना है, जाम हो जाए कैसे फ्री करना है, और बिल्कुल आसानी से हमने बताया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये मशीन बिल्कुल ये चल रही है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ये आसानी से चल रही है। तो अगर आपने ये पांचवा पार्ट में नहीं सीखा है कि ये जो व्हील बूस को कैसे लगाना है, इसके लिए हथौड़ी चाहिए होता है, बोल्ट चाहिए, हमने सब कुछ बताया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक जाइए, देखिए और सीखिए। इस वीडियो में सीखेंगे, ये इस वीडियो का छठवा पार्ट है, इसमें आप लोग सीखेंगे कि ये जो कुंडी है, कुंडी को इस मशीन में लगाने के बाद मशीन कैसी हो जाती है, और मशीन मतलब किस टाइप का चलती है, जाम चलती है कि हल्की चलती है। अगर ये जाम चलती है मशीन, इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये जो कुंडी नया है, न्यू है, इसको लगाने के बाद मशीन जाम ही चलती है, उसको कैसे फ्री करते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे फ्री करेंगे कि मशीन बिल्कुल भी आपका आवाज़ ना करें और मशीन जाम ना चले, तो इस वीडियो में आप लोग यही सीखेंगे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। देखिए, बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, मशीन को पहले आपको ऐसे कर लेना है, ऐसे करना है, मशीन को ऐसे करने के बाद यहाँ पे इस पेज को खोलिए, और ये जो आपका कुंडी का जो ये जो गोली है, इसको आपको फ्री करना है। इस तरह से आपको सरसी चाहिए या फिर प्लास की हेल्प से ये जो गोली होता है, इसको आपको फ्री कर लेना है। तो यहाँ पे हम फ्री कर लेते हैं ऐसे, देखिए ये आपका फ्री हो गया। अब देखिए, इसमें आपको क्या करना है, इसको ये जो कुंडी है, अगर लट्टू न्यू है, कुंडी भी न्यू है, या फिर केवल कुंडी न्यू है और लट्टू पुराना वाला ही है, तो इसमें आपको ऑयल नहीं डालना है, बिल्कुल ये सूखा इसको फ्री करना है। तो यहाँ देखिए, हमने इस गोली को बिल्कुल फ्री कर लिया, सही है। अब आपको यहाँ पर कुंडी को ऐसे लगाना है, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें ऑयल नहीं होना चाहिए और इसमें भी नहीं होना चाहिए। अगर ऑयल हो तो ऐसे बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर देना है, और ये जो लट्टू है, लट्टू में भी ऑयल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर ऑयल हो तो बिल्कुल अच्छे से साफ़ करना है, और इसको भी साफ़ करना है, और यहाँ पर इसको भी, ऑयल नहीं है। अब हम इसको सूखा सूखा इसको बिल्कुल कसना है, और उसके बाद जाम होगा तो कैसे चलाना है, मशीन आवाज़ ना करे, अभी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इसको आपको टाइट करना है ऐसे, मशीन को ऐसे आगे पीछे करके इसको टाइट कर देना है। ये देखिए हो गया, मशीन को आपको ऐसे करना है और इसको उल्टा चलाना है। यहाँ देखिए, ये हल्का हल्का सा जाम हो रहा है, यहाँ पे ऐसे देखेंगे तो ये मशीन हल्का हल्का सा ये जाम हो रहा है, तो आपको इसको उल्टा ही चलाना है यहाँ पर, इस तरह से आपको उल्टा चलाना है इस मशीन को। देखिए, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसमें मसाला डाल देते हैं, ब्रासो, जैसे कि यहाँ पे है ये ब्रासो, आपको नहीं डालना है, पहले सूखा बिल्कुल इसको हल्का करना है, पकड़ो। तो यहाँ पे आप चाहें तो ऐसे हाथ से पकड़ सकते हैं, उंगली से, मेरा तो प्रैक्टिस है तो हम ऐसे करके चलाएंगे, हमको चोट नहीं लगाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, हमको प्रैक्टिस है तो यहाँ पर ऐसे एक उंगली लगा कर मशीन को उल्टा चलाएँगे तो हमको चोट नहीं लगेगा। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे आपको उंगली लगा कर ऐसे मशीन को नहीं चलाना है, क्योंकि यहाँ पे ये दब जाएगा तो आपका उंगली भी कट सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको उंगली नहीं लगाना है, इसको केवल उल्टा ऐसे चलाना है यहाँ पे। चाहे तो हल्का सा ऐसे लगा भी सकते हैं, लेकिन आपको बिल्कुल ये स्लो चलाना है, इस व्हील को बिल्कुल स्लो चलाना है। यहाँ देखिए, अब हमको ऐसा लगता है ये फ्री हो गया, जब ये फ्री हो जाए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको ऐसा लगे कि ये जो मशीन फ्री हो गया, तब उसमें ऑयल डालना है। अगर ये जाम चलता है
तो जब तक ये जाम चलता है तब तक आपको ऐसे उल्टा चलाना है और लास्ट में ऐसे सीधा चलाना है। पहले तो आपको उल्टा चलाना है, फिर ऐसे सीधा चलाना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये मशीन मेरी हल्की हो गई। अब इसमें हम आयल डालेंगे, कौन सा आयल, मशीन का। यहाँ देखिए पास मिला थोड़ा, यहाँ पे इसमें हम मशीन का आयल डाल देते हैं। देखिए ये आपका हो गया। अब आपको मशीन को आयल डालने के बाद मशीन को उल्टा चलाना है। यहाँ पे एक उंगली हम लगा देते हैं, मशीन का आपको उल्टा चलाना है और सीधा भी ऐसे चलाना है। देखिए यहाँ देखिए अभी आपको मशीन ये हल्की हो गई, हल्की भी हो गई, आवाज़ भी नहीं कर रही है। तो आपको क्या करना है, आपको कुंडी लगाना है, मशीन को बिल्कुल उल्टा चलाना है, ऐसे जाम चाहे जितना भी हो उल्टा ही आपको चलाना है। और उल्टा चलाने के बाद अगर ये मशीन हल्की हो जाती है तब इसमें आपको मशीन का आयल डालना है। तो देखिए हमने मशीन को आयल डाल दिया, इसके बाद ये आपको ऐसे दो तीन चार राउंड ऐसे चलाना है। इसके बाद आपको क्या करना है, मशीन को ऐसे करना है, मशीन को ऐसे करने के बाद ये जो कुंडी है इस कुंडी को निकालना है, अच्छे से सफाई करना है और उसके बाद इसको सेम ऐसे लगा देना है। क्योंकि इसमें जो आयल डालते हैं आप और मशीन को चलाते हैं तो इसका जो बुरादा होता है, जो कटा होता है, तो उसको आपको साफ़ करना होता है। अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे तो मशीन आवाज़ उठा सकती है, ये जो कुंडी है लट्टू है जल्दी से कट जाएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा डस्ट आ जाता है तो इसको आपको साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये जो आयल है ये थोड़ा कचड़ा टाइप का ये आयल हो जाता है तो इसको आपको साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ देखिए साफ हो गया, यहाँ पे इसको भी आपको साफ़ कर देना है। देखिए हो गया, चाहे तो आप यहाँ पे बिल्कुल ये पतला वाला स्क्रू ड्राइवर यहाँ पे कपड़े को ऐसे लगा के इसके अंदर मशीन को चलाएंगे तो इसके अंदर के जो ग्रुपिंग है लट्टू का वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा। देखिए ये आपका हो गया साफ, कुछ आ गया। अब आपको इसको फिर से लगाना है, ये जो कुंडी है इसको ऐसे लगाना है। टाइट करना है, अब आपको इसको चलाना है इस मशीन को। यहाँ देखिए मशीन हम चला रहे हैं, बिल्कुल ये हल्की है। आपको इसलिए करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है, सफाई करने के बाद लगाने के बाद ये जो मशीन है जाम चलती है। तो यहाँ देखिए बिल्कुल फ्री, अगर ये जाम चले तो क्या करेंगे, फिर से आपको ऐसे ऐसे हाथ लगाना है और केवल सूखा पूरा अच्छे साफ़ करके सूखा इसको चलाना है। जब ये हल्की हो जाए, हल्का हल्का जाम रहे, तब आपको मशीन का आयल छोड़ना है। यहाँ देखिए अब ये मशीन बिल्कुल सही हो गई है। तो इस तरह से आप लोग बहुत आसानी से सही कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा मशीन का आयल डाल देंगे, इसलिए क्योंकि ये सफाई हो चुका है तो लास्ट में आपको मशीन का आयल इसमें डालना होता है। तो यहाँ देखिए हमने डाल दिया, सही है, अभी मशीन फ्री है। तो दोस्तों ये जो छठवा पार्ट है ये एंड होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे सातवां पार्ट में कि इसके बाद आपको क्या करना है, कैसे सही करना है, कैसे बनाना है। अगर आपको ये वीडियो ये जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सिलाई मशीन से रिलेटेड हर एक वीडियो देखने के लिए, सीखने के लिए। ठीक है दोस्तों।